गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह एंड एज ऑल ऑफ यू नो वी आर सीइंग द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। सीरीज चल रही है बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, हम देख रहे हैं डिटेल्स अलॉन्ग विद यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक्स फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन द मेंस। तो इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग में या ज्योग्राफी थ्रू मैप्स जो इंडिया का पोर्शन है उसमें वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक्स जहां से एक से दो सवाल एवरी ईयर इट्स आस्क्ड ईदर फ्रॉम द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, और इट कम्स फ्रॉम द फ्लोरा एंड फौना दैट इज बायोडाइवर्सिटी ऑफ दीज एरियाज। यहां से एक से दो सवाल पर ईयर गारंटेड इट कम्स इन UPSC प्रीलिम्स एंड इन UPSC मेन्स ऑल्सो। इट एड्स अप, इट गिव्स यू वैल्यू एडिशन। अगर आपको कोई डिफरेंट आपको मेन्स में कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं, वैल्यू एडिशन यहाँ से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट इज अ वेरी वेरी क्रूशल टॉपिक विच माइट बी आस्क्ड इन UPSC मेन्स दिस ईयर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन बायोस्फीयर रिजर्व्स के ऊपर। आज हम शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे, लोकेशन इन आंध्र प्रदेश इन ईस्टर्न घाट्स इंडिया में लोकेटेड शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ऑलरेडी वन क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम हियर, द रेड सैंडलवुड। यस, रेड सैंडल्स या रेड सैंडलवुड, एज ऑल ऑफ यू कैन सी द इमेज ऑन दिस द स्क्रीन, दिस इज द रेड सैंडलवुड विच इज वेरी वेरी फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल स्पीसीज ऑफ साउथ इंडिया। इट इज फाउंड इन अबंडेंस इन शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो आज हम ये डिटेल्स देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, आई एम ऑल्सो अन अकेडमी एजुकेटर टेकिंग अप डेली करंट अफेयर्स सेशन इन द मॉर्निंग ऑन द अन अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक UPSC CSE। ऑल्सो आई टेक अप प्लस कोर्सेज एंड स्पेशल क्लासेज अपॉन द अन अकेडमी ऐप। और स्टूडेंट्स, मैं एडवाइस करूंगा, इफ यू हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स and further notifications for the best videos in the session in the series of mapping. Let's begin. And yes, is session ka students free PDF paane ke liye aap aaiye Telegram channel IAS Toppers Mantra pe. Already is series ke 11 videos ya 12 videos uploaded hain. We have already seen more than 11 biosphere reserves of India. 7-8 are left. We are going to see it in the next couple of days. Let's begin today's session. Biosphere reserves, as all of you know, are learning places for sustainable development. They are protected areas. Protected areas hote hain biosphere reserves. They are the biggest protected areas. In fact, one biosphere reserve has numerous national parks and wildlife sanctuaries. And ek biosphere reserve ka aap dekh lijiye demarcation. It has a core area, as you can see this belt, inner belt. It has a buffer zone. It has a transitional zone. कोर एरिया का मतलब होता है बिल्कुल ओनली रिसर्च इज अलाउड इन दिस एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाइल इन बफर एंड ट्रांजिशन जोन ऑल द फोर एक्टिविटीज आर अलाउड इंक्लूडिंग टूरिज्म, रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स एज यू कैन सी। सो दिस माइट कम इन UPSC प्रीलिम्स और मैं इस पर बार बार फोकस कर रहा हूँ, इस टॉपिक के ऊपर जरूर देख लीजिएगा। ऑल्सो लेट मी टेल यू, बायोस्फीयर रिजर्व्स में फोकस होता है इकोसिस्टम कंजर्वेशन पे। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, इकोसिस्टम कंजर्वेशन, एंड इट हेल्प्स ऑल्सो इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। यस, तो लाइफ अपॉन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, ये बायोस्फीयर रिजर्व्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। एंड यहाँ पे इकोसिस्टम कंजर्वेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ लोकल सॉल्यूशंस, दैट इज लोकल सॉल्यूशंस टू ग्लोबल चैलेंजेस यूजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यूजिंग द लोकल्स, ट्राइबल्स, उनके तरीके से, उनके तौर तरीकों से यहाँ इकोसिस्टम कंजर्वेशन इज डन। एंड दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑल्सो, सम ऑफ दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स आर चोजन बाय यूनेस्को इन इट्स मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, द MAB प्रोग्राम। 1971 में ये MAB प्रोग्राम यूनेस्को ने लॉन्च किया था। यूनेस्को फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। एंड एज पर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स को चूज करता है, इस लिस्ट में पुट अप करता है, एंड देन इट प्रोवाइड्स टेक्निकल सॉल्यूशंस एंड ऑल्सो फंडिंग सॉल्यूशंस टू दिस बायोस्फीयर रिजर्व्स। नॉट ऑल बायोस्फीयर रिजर्व्स फाइंड देयर वे इन यूनेस्को लिस्ट, बट यस,
The biosphere reserves which find their way into the UNESCO list are funded and technical help is given by UNESCO as well. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. तो ये देखिए इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स, इसमें शेषाचलम हिल्स में एक बायोस्फीयर रिजर्व है इन आंध्र प्रदेश, यू कैन सी इट हियर। इनफैक्ट अगर इसकी हिस्ट्री देखें 1980s तक बहुत हद तक यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी खत्म भी हो रही थी, बट आफ्टर दैट अ फेज हैज कम, द रिकवरी फेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन दिस बेल्ट, स्पेशली द फ्लोरा दैट इज अ प्लांट्स। एंड ये वही बेल्ट है स्टूडेंट साउथ आंध्र प्रदेश में तिरुपति के पास में, जहां पे तिरुपति तिरुमला देवस्थानम दैट इज द श्री वेंकटेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड। तो ये ईस्टर्न घाट्स का बायोस्फीयर रिजर्व, लेट्स फोकस अपॉन, इसके पहले हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इन ओडिशा। लेट्स सी ईस्टर्न घाट्स, एज ऑल ऑफ अस नो, एज ऑल ऑफ यू नो, मैंने पिछले सेशन में कवर किया ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन चेन ऑफ माउंटेन्स, ब्रोकन चेन ऑफ लो हिल्स, लो हाइट हिल्स, एंड इसी से बहुत सारे रिवर्स कट अक्रॉस करती हैं, दे फॉर्म डेल्टाज, एग्जाम्पल रिवर महानदी, रिवर गोदावरी, रिवर कृष्णा, रिवर पेन्नेरू, और ये रिवर पेन्नेरू आज हम देखने वाले हैं, इट्स उसके ड्रेनेज बेसिन में शेषाचलम हिल्स भी आता है। रिवर पेन्नेरू एज यू कैन सी इट हियर स्टूडेंट्स, ये देखिए कर्नाटक से स्टार्ट होकर आंध्र प्रदेश के थ्रू बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने वाली रिवर, इट फॉल्स बिटवीन रिवर कृष्णा एंड रिवर कावेरी, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में इसके ऊपर एंड इसके नीचे कावेरी रिवर इन तमिलनाडु, वी विल बी सीइंग इट। ये देखिए पेन्नेरू रिवर या पेन्नार रिवर या उत्तर पिनाकिनी इसे कहा जाता है, उत्तर पिनाकिनी या पेन्नार या पेन्नेरू रिवर ऑल आर द सेम, इट राइजेस फ्रॉम नंदी हिल्स, नंदी हिल्स इन कर्नाटक एज यू कैन सी इट हियर, लगभग 600 किलोमीटर का डिस्टेंस, ओनली फ्लोइंग इन टू स्टेट्स। तो ये देखिए कर्नाटक से स्टार्ट करते हुए ओनली फ्लोइंग इन टू स्टेट्स, इसका मैक्सिमम एरिया ट्रेवर्स करती है, ये मैक्सिमम लेंथ ट्रेवर्स करती है इन आंध्र प्रदेश, एंड इट्स बाउंडेड बाय हिल रेंजेस टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ ईस्ट। ये देखिए एर्रामला रेंजेस टू द नॉर्थ, नल्ला मलाई रेंजेस एंड वेलिकोंडा रेंजेस टू द ईस्ट एंड नंदीदुर्ग हिल्स इन द साउथ, जहां से ओरिजिनेट कर रही है। तो क्या ये रिवर इंपॉर्टेंट है, इसका ओरिजिन पॉइंट, यस नंदी हिल्स इन कर्नाटक, एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टू स्टेट्स इट इज फ्लोइंग थ्रू एंड इट ड्रेन्स अ मच लार्जर एरिया ऑफ द शेषाचलम हिल्स इन आंध्र प्रदेश, इट फाइनली फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। ये देख सकते हैं आप इसके कुछ दिस ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें, यू कैन सी इट हियर द चिरावती ट्रिब्यूटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज यू कैन सी इट हियर, एंड सोमशिला प्रोजेक्ट है इसके ऊपर लोकेटेड, सोमशिला प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन रिवर पेन्नार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लेट सी द शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। सो ईस्टर्न घाट्स के सदर्न आंध्र प्रदेश बेल्ट में ये फॉल कर रहा है, एंड ईस्टर्न घाट्स एज ऑल ऑफ यू नो इट्स अ ब्रोकन डिसकंटिन्यूअस हिल्स, डिसकंटिन्यूअस चेन ऑफ हिल्स, वेरी ओल्ड, वेरी कॉम्प्लेक्स, ओल्डर देन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स सह्याद्री से ज्यादा पुराने, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ब्रोकन, लो हिल्स, डिसकंटिन्यूअस, फाउंड इन फाइव स्टेट्स। एज यू कैन सी सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में लाइक करते हैं ईस्टर्न घाट्स, फॉलोड बाई ओडिशा एंड तमिलनाडु। अरेंज करने कोई बोलेगा दिस आंध्र प्रदेश टॉप रैंक, ओडिशा एंड तमिलनाडु सेकेंड रैंक, एंड यस कर्नाटक एंड तेलंगाना थर्ड रैंक, 5% ईच, यू कैन सी इट हियर। 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करते हुए ईस्टर्न घाट्स एज यू कैन सी, तो ब्रोकन डिसकंटिन्यूअस ओल्ड कॉम्प्लेक्स, रिवर डेल्टाज आर फॉर्म्ड इन दिस बेल्ट एंड दिस इज वाई इट्स नॉट कंटिन्यूअस एज यू कैन सी। और इसी में सदर्न आंध्र प्रदेश नियर तमिलनाडु बॉर्डर इज द तिरुपति बेल्ट, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, जहां पे शेषाचलम हिल्स लोकेटेड, शेषाचलम रेंजेस एज यू कैन सी इट हियर, इट्स लोकेशन इज आउट हियर, इट फॉल्स ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स कवरिंग एन एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तूर एंड कड़प्पा इन आंध्र प्रदेश, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट एंड कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, एंड दिस शेषाचलम हिल्स हैज बीन डिक्लेयर्ड अ बायोस्फीयर रिजर्व, ये बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड किया गया है, एंड इट हैज अ वेरी फेमस नेशनल पार्क श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क इनसाइड इट्स
दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के साथ में हिल दिस फेमस हिल टेम्पल टाउन है दैट इज अ तिरुपति तिरुपति अ मेजर हिंदू पिलग्रिमेज टाउन इज लोकेटेड इन द हिल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स अ कल्चरल हेरिटेज एज वेल ये देखिए एंड दिस हिल्स हैव सेवन पीक्स सात पीक्स हैं सेवन पीक्स किस हिल्स में ये सवाल यूपीएससी पूछ सकती है द नेम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट नेवरदलेस विल सी इट अंजनाद्री गरुड़ाद्री नारायणाद्री नीलाद्री शेषाद्री वेंकटाद्री एंड वृषभ आद्री अंजनाद्री गरुड़ाद्री नारायणाद्री नीलाद्री शेषाद्री वेंकटाद्री एंड वृषभ आद्री इसे याद कर लीजिए ये ज़्यादातर स्टेट सर्विसेज दिस कैन कम अप इन द स्टेट सर्विसेज जो भी सदर्न स्टेट्स के स्टेट सर्विसेज हैं वहाँ इट कैन बी आस्क्ड बट सेवन पीक्स हैं दिस यू शुड नो एंड द रिवर फ्लोइंग द रिवर ड्रेनिंग द मच एरिया ऑफ शेषाचलम हिल्स इज द रिवर पेन्नार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हम लोगों ने अभी कवर किया इस रिवर को सोमसिला रिजर्वॉयर इज वेरी वेरी फेमस इन दिस बेल्ट और आइए देखते हैं यहाँ की बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा में देखते हैं सबसे पहले रेड सैंडलवुड या रेड सैंडर्स एज यू कैन सी दिस ट्री इसका नाम है रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड या रक्त चंदन वेरी वेरी फेमस सदर्न ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है नॉट इन वेस्टर्न घाट्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स इन सदर्न ईस्टर्न घाट्स इट्स एंडेमिक इन दिस बेल्ट ये देखिए एंडेमिक एंडेमिक मीन्स लोकलाइज्ड ये यहीं पे पाया जाता है And the tree is valued for rich red color of the wood. Red sanders ka naam hai red color of its wood. And the wood is traditionally considered not aromatic. Ye aromatic nahi hai. This kya kehte hain? It is not used for incense sticks ya for others kya kehte hain? For soap ya for the purpose of making perfumes. But ab iska istemal hone laga hai. तो ये देखिए रेड सैंडलवुड का इस्तेमाल होने लगा है इंसेंस स्टिक्स में दैट इज अगरबत्ती बनाने में एंड द ट्री इज सेपरेट फ्रॉम द प्योर सैंडलवुड ट्री विच इज अ नेटिव ऑफ साउथ इंडिया ग्रोइंग इन बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स सैंडलवुड प्योर सैंडलवुड सैंटेलम सैंडलवुड इज सेपरेट इट्स एरोमैटिक ये यूपीएससी सवाल पूछ सकती है रेड सैंडर्स इज रक्त चंदन इज नॉट एरोमैटिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों में फर्क है एंड रेड सैंडल्स इज ओनली फाउंड इन ईस्टर्न घाट्स जबकि प्योर सैंडलवुड द सैंटेलम सैंडलवुड एरोमेटिक वन इज फाउंड इन द होल ऑफ साउथ इंडिया तो जरूर से सैंडलवुड और रेड सैंडल्स में फर्क देख लीजिएगा स्टूडेंट्स ठीक है और ये देखिए इसका स्टेटस रेड सैंडल्स का नियर थ्रेटेंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नियर थ्रेटेंड स्मगलिंग भी बहुत चालू हो गई है इसकी दिस कैन बी सीन पर ईयर इन द न्यूज पेपर्स स्पेशली द हिंदू इट कम्स अप और यहाँ का फौना देखा जाए द बर्ड्स स्पीसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट येल्लो थ्रोटेड बुलबुल ये देखिए येल्लो थ्रोटेड बुलबुल इज अ सॉन्ग बर्ड ऑफ दिस रीजन इट्स एंडेमिक टू सदर्न पेनिनसुलर इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंडेमिक टू साउथ इंडिया एंड इट्स फाउंड इन स्क्रब हैबिटेट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो ग्रासलैंड्स में पाया जाता है ये येल्लो थ्रोटेड बुलबुल इट्स थ्रेटेंड बाई ग्रेनाइट क्वेरिंग इट्स वल्नरेबल तो येल्लो थ्रोटेड बुलबुल चार पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंडेमिक टू साउथ इंडिया सेकेंड स्क्रब यानी ग्रासलैंड हैबिटेट थर्ड थ्रेटेंड बाई ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग स्टोन क्वेरिंग एंड फोर्थ इट्स सॉन्ग बर्ड एंड इट्स वल्नरेबल स्टेटस मूविंग अहेड इस शेषाचलम हिल्स में एक वल्चर का स्पीसीज भी पाया जाता है व्हाइट बैक्ड वल्चर या जिप्स अफ्रीकानस एज यू कैन सी इट हियर इट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज यू कैन सी इट हियर वल्चर्स द नेचुरल स्कैवेंजर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द इकोसिस्टम और इनकी संख्या कम हो गई है ग्रेजुअली 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर्स आर फाउंड इन इंडिया इनकी संख्या कम हो गई है नंबर्स हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली इन द लास्ट 2 डिकेड्स ऑल बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ डाइक्लोफेनेक इन द एनिमल हस्बेंड्री के ऑक्यूपेशन में डाइक्लोफेनेक या पेन किलर्स या नीमेसुलाइट का इस्तेमाल इन पे असर डाल रहा है दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ बायो मैग्निफिकेशन ये देखिए बायो मैग्निफिकेशन जरूर से देखिएगा स्टूडेंट्स increasing in the concentration of pollutants medicines
एंड सर्टन ड्रग्स इन द इकोसिस्टम, इन द फूड चेन. तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज यू कैन सी इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पाया जाता है सेशाचलम हिल्स में, वेरी इंपॉर्टेंट. द नंबर्स हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली. थर्ड, स्लॉथ बियर कैन बी स्पॉटेड अराउंड द श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क. इट्स वल्नरेबल ऑन IUCN. एंड वल्नरेबल का स्टेटस का मतलब है कुछ डेंजर्स हैं इसको. इट्स हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, हैबिटेट डिग्रेडेशन. इट्स अ नेटिव टू इंडियन सब कंटिनेंट. ये देखिए, स्लॉथ बियर नेटिव टू इंडियन सब कंटिनेंट. तो चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट. स्लॉथ बियर हो गया, व्हाइट बैक्ड वल्चर हो गया, येलो थ्रोटेड बुलबुल, इंडियन जाइंट स्क्विरल, द लास्ट फौना ऑफ दिस बेल्ट, द मालाबार जाइंट स्क्विरल या इंडियन जाइंट स्क्विरल. ये देखिए बहुत बिग स्क्विरल इन साइज. इट्स अ लार्ज ट्री स्क्विरल, गिलहरी का स्पीसीज है. एंडेमिक टू फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स इन इंडिया. इट्स एंडेमिक इन दिस बेल्ट. और मालाबार जाइंट स्क्विरल नाम है इसका, मतलब साउथ इंडिया में ज्यादा इसका दिस क्या कहते हैं, दिस इज फाउंड इन साउथ इंडिया मच मोर. इट्स एंडेमिक टू इंडिया विद मेन सेक्शंस ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड सतपुड़ा रेंजेस. ये देखिए इसका साफ साफ मतलब है पेनिनसुलर इंडिया का, ये पेनिनसुलर इंडिया में एंडेमिक है. ये सतपुड़ा रेंजेस, द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स इट इज फाउंड. एंड इट्स आर्बोरियल, फाउंड ऑन ट्रीज, डायरनल. ये देखिए इन द डे टाइम इट इट इज हंटिंग, इट इज गोइंग फॉर फाइंडिंग इट्स फूड. एंड इट्स अ हर्बीवोरस स्क्विरल, हर्बीवोरस है इतना याद रखिए. सो दिस इज इट, इट्स फाउंड इन डिसीडियस बेल्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस बेल्ट. और यही वजह है कि इसके हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से इसको दिक्कत होती है. तो इंडियन जाइंट स्क्विरल, स्लॉथ बेयर, व्हाइट बैक्ड वल्चर एंड येल्लो थ्रोटेड बुलबुल आर फाउंड इन द सेशाचलम हिल्स. एंड इन प्लांट्स रेड सैंडलवुड इज वेरी फेमस फ्रॉम हेयर. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. ये देखिए और भी कुछ लिजर्ट के स्पीसीज, द इंडियन गेको एंड द ड्रैको स्पीसीज. द ड्रैको देखिए यहाँ पे ग्लाइडिंग लिजर्ड. ये देखिए इट्स फाउंड इन इंडिया एज वेल इन सेशाचलम हिल्स एंड दिस इज द इंडियन गोल्डन गेको. तो ये लिजर्ट के भी स्पीसीज सेशाचलम में पाए जाते हैं और ये दो स्पीसीज ज्यादा ही पाए जाते हैं, द इंडियन गोल्डन गेको एंड द ड्रैको, दैट इज द ग्लाइडिंग और द फ्लाइंग लिजर्ट. ये इनफैक्ट ये जो ड्रैको है, द ड्रैको इज फाउंड इन द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एज वेल, इंडोनेशिया तक ये पाया जाता है. यू कैन सी इट. एंड फौना एंड फ्लोरा खत्म करने के बाद लास्ट पॉइंट, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम. दिस इज द टेम्पल टाउन, द पिलग्रिमेज टाउन ऑफ हिंदुइज्म, लोकेटेड इन दिस बेल्ट. यस, एंड वन ऑफ द मोस्ट यू कैन सी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज, श्री वेंकटेश्वर टेम्पल. इन फैक्ट द जर्नी आउट देयर टिल द दिस हिली पिलग्रिमेज टाउन via the this buses is a very awesome journey, going through lush green forest, going through the roads jo yahan se jaate hain ye pass karte hain in the Sri Venkateshwara National Park and lush green forest is belt mein hai. Bahut acha lagta hai. It's a very very scenic beauty out there in this belt until you reach the pilgrimage town of Tirupati Tirumala. So that's it students, and this complete Seshachalam Hills ke bare mein sawal UPSC prelims se pooch sakta hai. Already one question over red sandalwood has come. Please prepare every details about this. And yes, the river is very important, river Pennar or Penneru ya Uttar Pinakini. To isi ke saath aaj ka session samapt. Ab hum log agle session mein dekhenge Nilgiri Biosphere Reserve, very very important. We also have to see the Agasthyamalai Biosphere Reserve. We also have to see Panchmadi and Amarkantak Biosphere Reserve. That is all that is left in the Biosphere Reserves of India. And I hope you are loving these sessions. They are full of knowledge, full of knowledge. You don't need to go to any other place for reading about the Biosphere Reserves of India. The UNESCO Marine Biosphere Program ho ya Biosphere Reserves India ke, wo kahin nahi dekhna hai aapko. This is a complete series. With this, I will end the session. Namaskar, Jai Hind. We'll meet in the next session. Till then, come and take the PDF from Telegram channel
आई ए एस टॉपर्स मंत्र। दैट्स इट, आई विल एंड द सेशन।